तो नमस्कार। आज बोरिंग चैप्टर के अंदर हम जिग बोरिंग मशीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जिग बोरिंग मशीन सबसे एक्यूरेट मशीन टूल है और इसके द्वारा हम जिग फिक्सर टूल्स और दूसरे प्रेसिजन पार्ट्स जिनमें कि हमें उच्च एक्यूरेसी चाहिए होती है वहाँ पे काम में लेते हैं। इनके अंदर बहुत ही हाई एक्यूरेसी रहती है, इसके लिए मशीन को काफ़ी रिजिड बनाया जाता है। बहुत कम इसमें ऑपरेशन के दौरान थर्मल एक्सपेंशन होता है और लोकेशन और स्पेसिंग होल्स की करने के लिए प्रोविजंस रहते हैं। इस मशीन की एक्यूरेसी 0.0025 mm की रेंज की होती है, अर्थात 2.5 माइक्रोन्स की एक्यूरेसी हम इस मशीन के द्वारा अचीव कर सकते हैं। जिग बोरिंग मशीन वर्टिकल मिलिंग मशीन जैसी ही दिखती है, परंतु ऑपरेशन और एक्यूरेसी के मामले में इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अर्थात जिग बोरिंग मशीन वर्टिकल मिलिंग मशीन के मुकाबले कई गुना एक्यूरेट है। जिग बोरिंग मशीन चित्र में दिखाई गई है, इसका एक ब्लैक डायग्राम जिसमें एक नंबर स्पिंडल हेड है, दो नंबर क्विल है, तीन नंबर कॉलम, चार स्पिंडल हाउसिंग, पांच स्पिंडल, छह जो है वो है टेबल, सात नंबर सेडल और आठ नंबर बेड है। इसके अंदर इसका स्पिंडल और दूसरे पार्ट बहुत ही रिजिड बनाए जाते हैं जिससे कि उनमें डिफ्लेक्शन कम हो और मिनिमम वाइब्रेशन हो। इसके लिए स्पिंडल जो है प्री लोडेड एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग्स में रन करता है। स्पिंडल हाउसिंग इनवार मटेरियल की बनाई हुई होती है जिसका कि बहुत ही कम थर्मल एक्सपांशन होता है। फर्दर जिग बोरिंग मशीन के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कंट्रोल, जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल रूम्स हैं उसके अंदर इसको ऑपरेट करना होता है जिससे कि थर्मल एक्सपांशन मिनिमम रहे और हमें उच्च एक्यूरेसी के जो प्राप्त हो सके। दो तरह की जिग बोरिंग मशीन होती है, एक वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप की और दूसरी प्लेनर टाइप की। वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप की जो जिग बोरिंग मशीन होती है इसका कंस्ट्रक्शन वर्टिकल मिलिंग मशीन जैसा रहता है। स्पिंडल एक वर्टिकल कॉलम में रोटेट करता है और टेबल बेड पर रेस्ट करती है कॉलम के सामने। टेबल के ऊपर जो जॉब लगा हुआ रहता है उसकी पोजीशनिंग हम टेबल के कंपाउंड मूवमेंट के द्वारा करते हैं जो कि स्पिंडल कॉलम फेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर होता है। अर्थात टेबल का दोनों तरफ मूवमेंट होएगा, कॉलम फेस के पैरेलल भी और कॉलम फेस के परपेंडिकुलर भी, जो उसका कंपाउंड मूवमेंट होता है उससे हम जो कि पोजीशनिंग करते हैं। दूसरी तरह की जो प्लेनर टाइप की मशीन रहती है इसमें दो वर्टिकल कॉलम होंगे जो कि टेबल के दोनों साइड में लगे हुए रहते हैं। टेबल बेस पर माउंट रहती है, टेबल में रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट का प्रोविजन रहता है जिससे कि हम वर्क के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक क्रॉस रेल दोनों वर्टिकल कॉलम को मिलाते हुए लगी हुई होती है जिस पे कि हम स्पिंडल माउंट करते हैं। प्लेनर टाइप की जिग बोरर में जो कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है होल्स के लिए वो टेबल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और स्पिंडल के क्रॉस वाइज मूवमेंट से प्राप्त करते हैं। जिग बोरिंग मशीन में होल्स करने के लिए उनकी प्रॉपर लोकेटिंग बहुत आवश्यक होती है, जिसके लिए हम तीन तरह के मेथड्स काम में लेते हैं। लीड स्क्रू मेथड,
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल गेजिंग मेथड और ऑप्टिकल मेजरिंग मेथड। जिग बोरिंग मशीन में हम डाई, गेज और जिग्स के प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा हम इसे हम एक मेजरिंग मशीन के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि दूसरी मशीन के ऊपर जॉब्स बने हुए रहते हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें हम मोस्टली सिंगल पॉइंट टूल ही काम में लेते हैं, जिससे कि हमें उच्च स्तर की एक्यूरेसी और बेटर सरफेस फिनिश प्राप्त हो सके। धन्यवाद।